हेलो एवरीवन तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से तो दोस्तों आज यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ये समझ लीजिए कि आपके लिए डायमंड क्वेश्चंस है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जहाँ पर आप अच्छे से जो है आंसर लिख पाओ तो किस तरीके से मतलब अच्छे आंसर लिख सकते हैं या प्रॉपर वे में आंसर लिखना चाहिए हमें वही मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा वाई डज अ प्योर सेमी कंडक्टर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट जीरो कैल्विन भाई आप लोगों को ये तो पता है कि अगर आप टेम्परेचर जीरो कैल्विन कर देते हो तो आप लोग जानते हो कि जो सेमी हुआ करता है जो सेमी होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है है ना ये चीज आप जानते हो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते होल्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो अगर मान लीजिए मतलब हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा कि अब इस चीज को लिखेंगे कैसे है ना ये तो मैंने आपको समझा दिया कि टेम्परेचर अगर जीरो कैलविन हो जाएगा तो सेमी जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा तो इसको लिखने का क्या तरीका है मैं आपको फ्लो में समझाऊंगा बस उसी को आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख देना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अगर टेम्परेचर जीरो कैलविन होता है तो सेमी कंडक्टर जो सेमी कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये अवेलेबल नहीं हो पाते ये जो है अवेलेबल नहीं हो पाते हैं इस वजह से क्या है जो सेमीकंडक्टर है इस वजह से जो सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह जो है बिहेव करता है कब जीरो केल्विन टेम्परेचर पर ठीक है जी इतना आंसर हो गया एक मार्क में क्वेश्चन आएगा आप इतना लिख दीजिएगा इतना सफिशियंट होगा है ना इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है देखिए बच्चों आप लोगों को ना बोर्ड एग्जाम में मार्किंग के हिसाब से लिखना चाहिए जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आप उस क्वेश्चन को करते चले जाइए तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या लिखना चाहिए वाई इज द एनर्जी गैप मच मोर इन सिलीकन देन इन जर्मीनियम देखिए एनर्जी गैप जो है सिलिकन में ज्यादा क्यों होता है क्योंकि सिलिकन सिलिकन का जो साइज है साइज मतलब एटॉमिक साइज वो क्या है कम हुआ करता है स्मॉल हुआ करता है ठीक है जो जर्मीनियम है जर्मीनियम का साइज होगा एटॉमिक साइज वो क्या हुआ करता है लार्ज हुआ करता है अब जिसका साइज स्मॉल है उसमें क्या चाहिए कम एनर्जी चाहिए नहीं सॉरी जिसका साइज स्मॉल है उसमें आपको लार्ज एनर्जी चाहिए लार्ज एनर्जी चाहिए क्या कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एनर्जी रिसीव करने के बाद ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है तो लार्ज एनर्जी चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जबकि जिसका साइज क्या रहता है ज्यादा रहता है है ना? रहता है ना लार्ज रहता उसको क्या चाहिए लेस एनर्जी चाहिए उसको क्या चाहिए चाहिए लेस एनर्जी और लेस एनर्जी के मिलते ही क्या अवेलेबल हो जाता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है ठीक इसी है इसीलिए जो सिलीकन है इसीलिए जो सिलीकन है उसमें क्या होगा दोस्तों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इनके बीच में जो एनर्जी गैप रहा करता है ये ज्यादा होता है और जर्मेनियम में क्या है जर्मेनियम में जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच में गैप कम हुआ करता है यही रीजन है देखिए जितना ज्यादा गैप होगा यानी कि उतनी ही ज्यादा आपको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने के लिए जितना कम गैप होगा उतनी ही कम एनर्जी चाहिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने के लिए आई होप आप समझ गए होंगे एक्सप्लेनेशन इतना लिखने के बाद आप अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं इतना आंसर सफिशियंट है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों यहाँ पर ये विथ चार्ज कैरियर इन इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर विल हैव कंडक्शन देखिए इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर की बात चल रही है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर जो होता है वो प्योर सेमी कंडक्टर रहा करता है और प्योर सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है ना बेटे वो किसकी वजह से होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से हुआ करती है अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन नाम लिया जा रहा है जब भी आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर नाम लेते हैं तो समझ जाइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए कंडक्टिविटी के लिए दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए किसमें इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से हुआ करती है बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर समाप्त हो गया हमसे यही पूछा गया था कि विच चार्ज कैरियर विल हैव कंडक्शन तो दोनों की वजह से कंडक्शन हुआ करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं हाउ डज द रसिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर चेंज वेन हीटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिये आपसे पूछा जा रहा है कि रसिस्टेंस किस तरीके से प्रभावित होता है जब हम सेमी कंडक्टर को हीट करने लग जाए देखिए तो मैं बताता हूं आपको जैसे ही आप हीट करेंगे ठीक है किसको हीट करेंगे सेमी कंडक्टर को हीट करेंगे सेमी कंडक्टर को हीट करेंगे तो क्या होगा जो कोवलेंट बॉन्ड है जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे ब्रेक होना शुरू होंगे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा भाई इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करते हैं भाई कंडक्टिविटी के लिए होते होते हैं हैं के लिए होते हैं? के लिए लिए कंडक्टिविटी इसका मतलब है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी कि हीट बढ़ा रहे हैं सेमी की तो जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो समझ जाइए जो रेसिस्टिविटी है या जो रेसिस्टेंस है सेमीकंडक्टर का वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दी है बच्चों में यहाँ पर आपको फ्लो के रूप में बता रहा हूं आंसर को है ना आप क्या कर सकते हैं आप जब लिखेंगे इस क्वेश्चन को तो आप लैंग्वेज में लिखेंगे प्रॉपरली इस तरीके से नहीं लिखेंगे जस्ट आपका टाइम कम लगे और मैं पूरा आंसर आपको समझा दू इस वजह से मैं ऐसे फ्लो के रूप में आपको समझा रहा हूं ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच हाउ डज सेमी कंडक्टर बिहेव इन द प्रेन्स ऑफ इम्प्योरिटीज देखिए हमारे पास क्या रहा करता है इंटरसिक सेमी कंडक्टर में हम इम्प्योरिटीज को जब एड करते हैं है ना इम्प्योरिटीज को एड करते हैं तो क्या होता है हमें एडिशनल इम्प्योरिटीज की वजह से एडिशनल क्या मिल जाते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों में से तो कुछ भी मिल सकते हैं डिपेंड करता है इम्प्योरिटी कौन सी है अगर इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट होगी तो होल मिलेंगे और पेंटावेलेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन या होल मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं ये कंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इसको इंक्रीज कर देते हैं क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब है डोपिंग करना यानी कि इंप्योरिटीज को ऐड करना इंप्योरिटीज को ऐड करने से इंटरसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है बेटा इंक्रीज हो जाती है इसलिए ये डोपिंग की जाती है तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर इज ओम्स लॉ अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे इज ओम्स लॉ ऑबियड फॉर सेमी कंडक्टर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है नो ओम्स लॉ जो है है ना ओम्स लॉ ओम्स लॉ जो है सेमी कंडक्टर में सेमी कंडक्टर में ये लागू नहीं होता क्यों लागू नहीं होता क्योंकि सेमी कंडक्टर में क्या होता है बच्चों के अंदर जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो उसके रिजल्ट में जो करंट है उसके अगेंस्ट जो करंट फ्लो हो रहा है सेमी कंडक्टर के थ्रू वो उतना ही तरीके से इंक्रीज हो जिस हिसाब से आपने वोल्टेज इंक्रीज किया है उसी हिसाब से करंट इंक्रीज हो ऐसा जरूरी नहीं है नॉट कंपल्सरी ऐसा जरूरी नहीं है हमें यह भी देखने को मिलता है कि वोल्टेज तेजी से बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा और यह भी देखने को मिल जाता है कभी कभी कि वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट घट रहा है जी हाँ ऐसा भी देखने को मिल जाता है सेमीकंडक्टर के अंदर तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता बच्चों आप इसका आंसर जो है ग्राफ की हेल्प से भी दे सकते हो अगर मान लीजिए वी आई ग्राफ हमने ड्रॉ किया है तो सेमी कंडक्टर के लिए क्या है इस तरीके से ग्राफ मिलता है बच्चों कभी कभी हमें है ना इस तरीके से ग्राफ मिलता है और इस तरीके से भी ग्राफ मिल सकता है जैसे ये वी हो गया ये आई हो गया ठीक है तो इस तरीके से भी ग्राफ मिल सकता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लीनियर ग्राफ नहीं मिल रहा जब वी और आई इनके बीच में लीनियर ग्राफ मिलता था तो हम यहां पर कह दिया करते थे मेरे बच्चे कि ओम्स लॉ जो है फॉलो हो रहा है लेकिन इस वाले केस में और इस वाले केस में हम कह सकते हैं ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा इसलिए सेमीकंडक्टर जो है हम कह देंगे कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है मैंने हर एक एक्सप्लेनेशन को यहां पर लेकर के आप लोगों को समझा दिया आई होप समझ आया होगा आप लोगों को सेवंथ क्वेश्चन है बेटे अगला सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है फिगर शोज अ पीस ऑफ प्योर सेमी भाई ये जो है एक प्योर सेमी है यहाँ पर यानी कि इंट्रेंसिक है, है ना सीरीज में लगा हुआ है रसिस्टेंस के साथ ये देखिए एक रसिस्टेंस है और रसिस्टेंस की खासियत क्या है ये वेरिएबल रसिस्टर है बेटा वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ठीक है थीके? जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ठीक है अब इसके बाद में एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है यहाँ पर देखिए ये रहा वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स क्या करता है बच्चों सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराने का काम करता है शुड द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज और डिक्रीज मतलब आर की वैल्यू को हमें बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए क्या करने के लिए टू कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर अमीटर में जो रीडिंग आएगी भाई अमीटर में कहें की रीडिंग आएगी करंट की रीडिंग आएगी अमीटर में करंट की रीडिंग कॉन्स्टेंट आती रहे है ना टेम्परेचर इसका जब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा करंट चेंज होना चाहिए लेकिन चेंज होना चाहिए बट हमें क्या करना है कंडीशन यही है कि हमें करंट को कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट रखने के लिए हम आर की वैल्यू को क्या करें इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें यह हमें क्वेश्चन में बताना है तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे इंक्रीज करें सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी इससे क्या होगा सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या बेटा आप कह सकते हो जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है सेमी कंडक्टर से होकर के जो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा अब भाई देखिए आई अगर इंक्रीज हो रहा है, है ना और अमीटर अमीटर में जो रीडिंग है अमीटर में जो रीडिंग है कांस्टेंट रखने के लिए टू कीप कांस्टेंट टू कीप कांस्टेंट अमीटर में जो रीडिंग है वो कांस्टेंट रहे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आई अगर बढ़ रहा है और अमीटर में आपको रीडिंग कांस्टेंट रखनी है तो साथ में ये जो वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ था आप इस वेरिएबल रजिस्टर को भी क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए देखिए आप अगर आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू जो बढ़ रही थी वो क्या होगी बढ़ेगी नहीं वो क्या होगी मेंटेन हो जाएगी बढ़ने के बजाय मेंटेन हो जाएगी मेंटेन हो जाएगी तो जो अमीटर है जो अमीटर है उसकी जो रीडिंग है वो भी कांस्टेंट रहेगी वो भी चेंज नहीं होगी हम क्यों कह रहे हैं कि हमने आर को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि करंट बढ़ रहा था बच्चे करंट क्यों बढ़ रहा था क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ रही थी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही थी बेटा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था टेम्परेचर के बढ़ने पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन होर पेयर हमें जो है मिलते चले जाते हैं तो ये सब इसके एक्सप्लेनेशन में मेरे बच्चे आ जाएगा आई होप आपको समझ में आया होगा है ना इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है एथ क्वेश्चन होगा मेरे बच्चे जिस भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है उसे पूछ सकते हो अब दो क्रिस्टल है यहाँ पर सी वन और सी टू मेड ऑफ प्योर सिलिकन आर डोब्ड विद आर्सेनिक एंड एल्यूमिनियम अब देखिए एक क्रिस्टल तो ये है सी वन और दूसरा क्रिस्टल है यहाँ पर C2 जो इसकी डोपिंग की गई है मेरे बच्चे वो आर्सेनिक से की गई है आर्सेनिक है ना इसकी जो डोपिंग की गई है मेरे बच्चे वो एल्यूमिनियम से की गई है एल्यूमिनियम से की गई है एल्यूमिनियम का सिंबल ए एल हुआ करता है आर्सेनिक का सिंबल जो है ए एफ हुआ करता है आई हो है ना अब आर्सेनिक देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा ये पहचानना पड़ेगा जो आर्सेनिक है मेरे बच्चे ये

वो पेंटावेलेंट से हुई है तो ये वाला जो सेमीकंडक्टर होगा ये मिलेगा हमें एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा अब यहां पर जो डोपिंग हुई है वो ट्राइवेलेंट की हुई है तो यहां पर हमको मिलेगा बेटा अरे सॉरी 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 एक्सट्रेंसिक तो यहां भी मिलेगा मैं थोड़ा सा यहां पर सही है मतलब गलत नहीं है एक्सट्रेंसिक सेमी जो है मिलेगा दोनों जगह मिलेगा यहां पर मिलेगा एन टाइप और यहां पर मिलेगा बेटा पी टाइप क्योंकि यहां पर थी थी और इधर जो है है पेंटावेलेंट अब एक पार्ट का तो आंसर हमें भी पास आ गया देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट का आंसर कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा मेरे आ, पिक्चर के पीछे छिप गया होगा कोई बात नहीं आई होप समझ में आ रहा होगा आगे ध्यान रखूंगा मैं तो वाई इज डोपिंग ऑफ एंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर नेसेसरी देखिए इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जैसा क्वेश्चन पूछा है ना बच्चों वैसा ही उसी फ्लो में जो है आप अपने क्वेश्चन का आंसर रखते रहिए इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इसकी जो कंडक्टिविटी है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है क्या होती है बहुत लो होती है. है ना तो इसे क्या करने के लिए इंक्रीज करने के लिए इसे क्या करने के लिए इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा डोपिंग करा करते हैं है ना क्या करा करते हैं डोपिंग डोपिंग यानी कि एडिंग का प्रोसेस है बेटा ये ये एडिंग का प्रोसेस है डोपिंग है ना इसमें क्या करते हैं इम्प्योरिटीज को एड करने से क्या होता है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो जो सेमी कंडक्टर है वो बेहतरीन तरीके से काम करता है वेरी फाइन जो है वो काम करना शुरू कर देता है ये कारण है मेरे बच्चे इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम है ना नाइन्थ क्वेश्चन है जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या हो आप बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में जाकर उसको पूछ लेना मैं बताने की कोशिश करूंगा हर एक प्रॉब्लम का जवाब देने की कोशिश करूंगा व्हाट इज मींट बाय डोपिंग डोपिंग से क्या मतलब है देखिए हमने इसके बारे में अभी अभी डिस्कस किया है डोपिंग ये सारे क्वेश्चन जो है ना बेटा ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं तो आप इन सबको पी मान सकते हो है ना और लेटेस्ट जो है फाइव टू टेन ईयर्स के ही क्वेश्चन है ये जितने भी हैं डोपिंग क्या चीज है बेटा ये एक प्रोसेस है ठीक है डोपिंग क्या है ये एक प्रोसेस है कैसा प्रोसेस है ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज को एड करने का ये प्रोसेस है ठीक है इम्प्योरिटीज को इसमें ऐड किया जाता है कंट्रोल्ड मैनर में एड किया जाता है कंट्रोल्ड मैनर में कंट्रोल्ड मैनर में इसको जो है ऐड करा जाता है मेरे बच्चे ये ये चीज भी आपको ध्यान है है तो ये हो गया ठीक जी ऐड की जाती है ये ये जो है इंट्रेंसिक सेमी सेमीकंडक्टर में जो है ये ऐड करी जाती है ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है अगला क्वेश्चन है बेटा नेम द टू टाइप ऑफ एटम्स यूज्ड फॉर डोपिंग ऑफ जर्मेनियम और सिलीकन तो दो एटम्स बताने हैं हमें जो यहाँ पर डोपिंग में काम आते हैं अभी अभी हमने पढ़े भी थे आर्सेनिक हो जाएगा एक और दूसरा क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा एल्यूमिनियम आप जानते हो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है है ना ट्राइवेलेंट है और ये कैसी इम्प्योरिटी है ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है ठीक है तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में सबसे पहली बात आप ये भी याद रखो कोई कहता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है इजी क्वेश्चन आते हैं जस्ट आप लोगों को ये सब नॉलेज होनी चाहिए अगला क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर इन पी एन जंक्शन इसके लिए थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है आई होप कि ये दो या तीन मार्क में जो है पूछा गया होगा तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया पहले पी एन टाइप रीजन बना लिए ये पी टाइप रीजन है ये एन टाइप रीजन है पी टाइप रीजन में होल्स uh, ज्यादा हुआ करते हैं ठीक है होल्स ज्यादा हुआ करते हैं ये सब होल्स जो है किधर भागेंगे एन टाइप की तरफ भागेंगे क्यों क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा होगा ऐसे ही इधर क्या होंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए ठीक है इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे होंगे पी टाइप की तरफ जा रहे होंगे क्यों क्योंकि उधर जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है संख्या कम है अब देखिए डिफ्यूजन यहां पर क्या होगा जब आप जंक्शन फॉर्म करते हैं जैसे ही आप जंक्शन फॉर्म कर देते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है भाई डिफ्यूजन प्रोसेस में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो क्या करते हैं टूवर्ड्स जंक्शन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टूवर्ड्स जंक्शन जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं कैसे जैसे मैंने आपको यहां पर मेंशन कर रखा है भैया बीच में जंक्शन आ गया और जंक्शन में होल्स uh, जो है इस तरफ और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से मोशन कर रहे हैं जंक्शन की तरफ जा रहे हैं जैसे ये जंक्शन पर मीट करेंगे जैसे ये जंक्शन पर मीट करेंगे रिकम्बाइन कर जाएंगे जैसे ही जंक्शन पर मीट करेंगे रिकम्बाइन कर जाएंगे कौन रिकम्बाइन कर जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करने से क्या होगा इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी ओवर हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा P reason में इसकी वजह से पी रीजन में एक होल की कमी हो जाएगी होल की कमी हो जाएगी हिंदी में ही लिख रहा हूं समझा रहा हूं और एन रीजन में किसकी कमी हो जाएगी एन रीजन में कमी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की अब होल की जो कमी है इसको आप कहा से रिप्रेजेंट करोगे निगेटिव आयन से और इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो गई है इसको आप कहा से रिप्रेजेंट करोगे पॉजिटिव आयन से रिप्रेजेंट करोगे ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स कहां पर बनते हैं देखिए मैं बताता हूं आपको दोबारा से बना करके ये जंक्शन हो गया ठीक है अब इस जंक्शन में ये था पी टाइप ये था एन टाइप देखिए पी टाइप में कौन से चीज की कमी हो गई थी होल की होल की कमी को हम किससे दिखा रहे हैं निगेटिव आयन से तो इधर की तरफ जो है निगेटिव आयन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ठीक है और एन रीजन में किस चीज की कमी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की कमी को हम दिखाएंगे पॉजिटिव आयन से तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव आयन ठीक है बेटा अब ये क्या हुआ करते हैं इमोबाइल हुआ करते हैं यानी कि मूव नहीं कर सकते ठीक है जी और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल थे जो रिकम्बाइन हो रहे थे ये क्या थे मोबाइल चार्ज कैरियर से रहते हैं ठीक तो इस रीजन में इतने रीजन में क्या होगा मोबाइल चार्ज कैरियर्स की कमी हो जाएगी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी और उनकी जगह कौन ले लेगा ये आयंस ले लेंगे अब इन आयंस ने जो है जगह तो ले ली अब ये इकट्ठा हो गए अपोजिट चार्ज के इनकी वजह से होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा जाता है इंटरनल फील्ड डायरेक्शन आप जानते ही हो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहा करते हैं और इसी रीजन को क्या कहा जाता है भाई ये इतना जो रीजन है जिसमें ये आयंस आ गए हैं इसी रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन इसी रीजन को डिप्लेशन रीजन कहा जाता है साथ में यहां पर ये ये आयंस क्या करते हैं एक वर्चुअल बैटरी यहां पर फॉर्म करते हैं वर्चुअल बैटरी मतलब जो एग्जिस्टेंस नहीं करती बट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है है ना एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है मैं इसको हटा देता हूं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इधर राइट यहां पर कैसा पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव आयन इधर कैसा चार्ज है निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस आना ही आना है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जंक्शन पर इसे ही क्या कहा जाता है मेरे दोस्त पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है तो जब आपको पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन रीजन के फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको ये बेटा सब कुछ जो है लिखना पड़ेगा यहाँ पर ये सब कुछ लिखना पड़ेगा है ना इतना करना ही पड़ेगा इतना करे बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर तो इतना इस क्वेश्चन के लिए लिखना ही पड़ेगा देखो तो जहां कम लिख करके काम चल जाता है वहां कम लिख सकते हैं जहां कम लिख करके काम नहीं चलेगा वहां पर नहीं लिख सकते साथ में एक बात और ये वीडियो लेक्चर है तो आप लोग जो है रिपीट करके भी देख सकते हो अगर कोई चीज बाई चांस मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रही है ठीक है तो अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे यहाँ पर नेम द एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर फॉर्म वैन अ प्योर जर्मेनियम डोब्ड विथ ट्राइवेलेंट एंड पेंथ ठीक है जी तो यहां पर क्या है एक प्योर सेमी है इसको आपने दो तरीके से डोब किया एक बार तो आपने इसे किया ट्राइवेलेंट एंट इम्प्योरिटी से डोब और एक बार किया है आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से ट्राइबलोरिटी से जब हम डोप करते हैं तो हमें मिलता है पीटाइप एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और पेंटावेलेंट से जब हम डोप करते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमी ठीक है जी पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर भाई अब हमें क्या करना है एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है ठीक है इस तरीके से बना लेते हैं ये वाला जो है बैंड कंडक्शन बैंड ये वाला बैंड हो गया वैलेंस बैंड भाई ये जो हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं एन टाइप के लिए और इधर बना लेंगे भाई अपना ये पी टाइप के लिए ठीक है इधर टाइप के, के लिए बना लेंगे बना में, ये आ गया कंडक्शन बैंड और ये आ गया वैलेंस बैंड ठीक है अब यहां तो ये बन गए लेकिन इसके साथ में क्या होता है ना बेटा एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है वो है एन टाइप है तो यहां पर एक लेवल और आएगा एनर्जी लेवल ये एनर्जी लेवल किस चीज का होगा ये एनर्जी लेवल होगा डोनर एनर्जी लेवल डोनर एनर्जी लेवल डोनर एनर्जी लेवल कहां से आता है भाई पेंट इंप्योरिटी ऐड करी होगी ना तो इसकी वजह से क्या होगा हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मिलता था तो इसकी जो एनर्जी लेवल होता है वही यहाँ पर हमने मेंशन करा है कंडक्शन बैंड के बहुत पास में रहता है ये जो एनर्जी गैप है बेटा ये एनर्जी गैप जो है बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता है एनर्जी गैप नहीं कहेंगे इसको सीधे यहां पर गैप तो एनर्जी का ही है लेकिन ये बहुत कम हुआ करता है जीरो पॉइंट जीरो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हुआ करता है ठीक है एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी अभी हम यहाँ पर एक काम करता हूं ये जो कंडक्शन बैंड यहां पर लिखा हुआ है वैलेंस बैंड लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं बाहर लिख देंगे इसको क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जो है ना यहाँ पर मेंशन करना होगा भाई ये एन टाइप है एन टाइप में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं एन टाइप है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पर हमने ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करते हुए दिखा दिए और होल्स की संख्या क्या रहती है कम रहती है तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे देखो है ना एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और साथ में क्या होगा होल भी होंगे लेकिन होल की मात्रा हम कम दिखाएंगे ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा दिखाई है जस्टिफाई कर रहा है ठीक उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में क्या होता है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम अवेलेबल होते हैं यहाँ पर होल्स की संख्या ज्यादा रहती है तो होल्स की संख्या जो है आप ज्यादा दिखाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली होंगे ही होंगे है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे लेकिन क्या है ना आप यहाँ पर होल्स की संख्या जो है ज्यादा दिखाओगे साथ में एक और चीज आएगी यहाँ पर जैसे ऊपर वाले पार्ट में आया था ऊपर वाले पार्ट में डोनर एनर्जी लेवल था बेटा यहाँ पर क्या होगा यहां पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हुआ करता है अब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्या है मेरे बच्चे जो एन टाइप सेमी सॉरी ये यह यहां पर गलत दिख देता है मैंने पी टाइप सेमी कंडक्टर से क्या मिलेगा होल मिलेगा एन टाइप सेमी कंडक्टर से क्या मिलेगा हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये जो होल मिला करता था पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये हमें जो इसका जो एनर्जी लेवल रहेगा वही एनर्जी लेवल को हम यहाँ पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा मजेदार बात क्या है देखिए ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ये कंडक्शन बैंड के पास में बनाया जाता है ठीक है और जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है ये वैलेंस बैंड के पास में बनाया जाता है आपको सिर्फ इतना बनाने के मार्क्स मिल जाएंगे एक मार्क का तो ये हो गया आंसर और एक मार्क का इधर ये हो गया आंसर देखो तो जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही जवाब देंगे उससे ज्यादा नहीं और मैं भी आपको सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दूंगा उससे ज्यादा नहीं क्योंकि क्वेश्चन uh, टू मतलब आपको मैंने यही सिखाना है कि किस तरीके से और कितने अमाउंट में आपको ना आंसर अपना जो है लेंथ रखनी है अपने आंसर की अब यहाँ पे देखिए एक डिस्टिंग uh, क्वेश्चन आया है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक के बीच में तो एक तरफ तो हम लिख लेंगे इंटरेंसिक ठीक है और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे एक्सट्रेंसिक अब मान लीजिए दो मार्क में आया होगा क्वेश्चन अगर अगर ये दो मार्क में आया होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चार पॉइंट लिखेंगे बेटा ठीक है चार पॉइंट और अगर ये क्वेश्चन एक मार्क में आएगा तो हम लिखेंगे दो पॉइंट आधा आधा नंबर का एक एक पॉइंट रहेगा समझ में आई बात यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से अब आपको अच्छे से समझाता हूं मैं देखिए पहला क्या है इंट्रेंसिक में आप पहला लिख सकते हो कि भाई ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है इधर की साइड आप क्या लिख सकते हो कि भाई ये जो है इम्प्योर सेमी कंडक्टर रहा करता है ठीक है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या रहती है बेटा कम रहती है दूसरा पॉइंट इधर क्या लिख सकते हैं आप भाई कंडक्टिविटी जो रहती है कंडक्टिविटी वो हाई रहा करती है तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है और होल्स की जो डेंसिटी है वो बराबर रहती है दूसरी तरफ आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो होल्स की डेंसिटी के बराबर नहीं रहती है ना पी टाइप में आ, होल्स ज्यादा होंगे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे चौथे नंबर पर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर चौथे नंबर पर क्या लिखा जा सकता है चौथे नंबर पर क्या लिखा जा सकता है हाँ कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के ऊपर लिख सकते हैं कंडक्टिविटी जो है ना अनकंट्रोल्ड रहती है यहां पर अनकंट्रोल्ड यहां पर आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते जबकि इधर क्या कर सकते हो आप कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई हम इसमें इंप्योरिटीज ऐड करते हैं ना एक्सटेंसिक वाले में तो इम्प्योरिटीज कितनी ऐड करनी है कितनी नहीं ऐड करनी है इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसी वजह से कंडक्टिविटी भी जो है यहाँ पर कंट्रोल हो सकती है बट यहाँ पर कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो सकती इस तरीके से बच्चों चार पॉइंट हो गए एक मार्क में आया तो बहुत अच्छा है कोई से भी दो पॉइंट लिख देना दो मार्क में आएगा तो आपको चारों के चार पॉइंट लिखने पड़ेंगे बेटा है ना और लॉजिकल होने चाहिए पॉइंट ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है आ, घास वगैरह खोद करके लिख दो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है लॉजिकल पॉइंट होने चाहिए अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टीन फिर से डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आया है ये एन टाइप होना चाहिए यहाँ पर डिस्टिंग एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर जो पी टाइप है और जो एन टाइप है इनको डिस्टिंग्विश करना है अब अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करना है तो वही चीजें आनी चाहिए वही बातें आनी चाहिए जो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम में देखी थी तो इसमें क्या देखा था हमने एनर्जी बैंड डायग्राम में पी टाइप का जो था उसमें हमने देखा था कि होल्स की संख्या होल्स की जो संख्या है वो ज्यादा रहती है पी टाइप में और इधर क्या लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या रहती है ज्यादा रहा करती है देखा था ना हमने एनर्जी बैंड डायग्राम में अगर आप लोग अभी जुड़े हो तो देखो ये अभी लिखा था थोड़ी देर पहले ये यहां पर देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है यहां पर होल्स की संख्या ज्यादा है फिर ठीक है उसके बाद गैप वगैरह की बात हम कर लेंगे उसके बाद हम गैप वगैरह की बात कर लेंगे यहां पर क्या लिख देंगे हम इसमें क्या होता है एक्सेप्टर लेवल होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है कहा होता है ये नियर टू वैलेंस बैंड हुआ करता है इधर क्या लिख देंगे आप डोनर एनर्जी लेवल हुआ करता है किधर होता है भाई नियर टू किसके होता है कंडक्शन बैंड नियर टू कंडक्शन बैंड रहा करता है तीसरी चीज तीसरी चीज देखिए भाई कंडक्टिविटी अगर इनकी कंडक्टिविटी को कंपेयर करा जाए ना बेटा कंडक्टिविटी कह दें या मोबिलिटी कह दें कंडक्टिविटी कहना चाहिए कंडक्टिविटी अगर इनकी डिफरेंशिएट करी जाए तो इसकी कंडक्टिविटी कम होती है और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है एन टाइप की ज्यादा होती है इसकी ज्यादा क्यों है कंडक्टिविटी यहाँ पर जो चीज प्रेजेंट रहती है ज्यादा मात्रा में वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना और यहाँ क्या है होल्स तो होल्स को होल्स की प्रेजेंस हम कंडक्टिविटी इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते जितना इलेक्ट्रॉन्स की कर पाती है तो एक पॉइंट आपका ये हो गया चौथे पॉइंट में आप क्या लिख पाओगे चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हो कि चौथे पॉइंट में आप बना सकते हो उसको चौथे पॉइंट में क्या करके आ जाना इसको बना करके आ जाना ये पी टाइप है तो यहाँ पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आएगा इधर ये कंडक्शन बैंड हो गया ये वैलेंस बैंड हो गया और ये क्या हो गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हो गया एक्सेप्ट एनर्जी लेवल हो गया इधर भी आप बना देना चौथे पॉइंट में देखिए चौथे पॉइंट की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका ये क्वेश्चन ना दो मार्क में होगा वही वाली बात है दो मार्क में है तो चार पॉइंट लिखने पड़ेंगे यार ठीक है यहाँ पर ये क्या जाएगा डोनर लेवल आ जाएगा एनर्जी गैप वगैरह तो आप मेंशन जो है कर ही दोगे ठीक है तो अगर दो मार्क में आया तो चार पॉइंट और एक मार्क में आया तो दो पॉइंट कोई से भी लिख देना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक समझ गए आप लोग अब इसके बाद देखिए एक और यहाँ पर जो है

और पी टाइप होगा ठीक है जी ये दोनों ही सेमी किस की तरह बिहेव करेंगे भाई इंसुलेटर कितना बिहेव करेंगे, करेंगे। इनमें से कोई भी जो है कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी के काम में नहीं आ पाएगा दोनों ही जो है इंसुलेटर कितना बिहेव करेंगे कब जीरो पर समझ में आई आपको बात ठीक है इसके बाद रूम टेम्परेचर पर एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा अभी अभी हमने डिफरेंस में लिखा भी है ये कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी है ना कंडक्टिविटी एन टाइप की तो होगी ज्यादा जबकि पी टाइप की क्या होगी कम होगी क्यों क्योंकि एन टाइप में कौन प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन्स इसी की वजह से जो कंडक्टिविटी है इनकी क्या हो जाती है बेटा ज्यादा हो जाती है तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है दोनों टेम्परेचर के लिए देखिए पूछ लिया गया था एक बार है ना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है बेटा नंबर ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप टाइप एंड पी एट हैंचर ग्रेटर देन जीरो कैलबैन तो ये तो हमने बना रखा है बेटा पहले से ही देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा है ना प्रॉपरली बनाया था यहाँ पर एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया था ये रहा ठीक है बेटे तो ये आंसर को मैं यहाँ पर असाइन uh, कर देता हूं और इस तरीके से यहाँ पर ये सिक्सटी क्वेश्चन का जो है ये आंसर मैं रिपीटेड मान लेता हूँ आपको ये किसी और साल में जो है ना रिपीट हो गया होगा तो अच्छी बात है यहाँ पर हमें रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में पता चल रहा है इससे पता चल जाता है कि वो क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंस रखता है तो एनर्जी बैंड डायग्राम अल्टीमेट इंपॉर्टेंस रखते हैं ड्रॉ करने के लिए भी बहुत बार पूछे गए हैं इन केस ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर डोनर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड ठीक है पी टाइप में जो है एक्सेप्टर जो है वैलेंस बैंड के टॉप पर रहता है एक्सप्लेन रोल ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स प्ले इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड देखिए जो डोनर लेवल है है ना जो डोनर लेवल है बना देता हूं मैं इसको ये कंडक्शन बैंड हो गया यह हो गया डोनर लेवल डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के पास में क्यों होता है क्योंकि ये जो गैप है ये गैप बहुत ज्यादा कम है ये गैप बहुत ज्यादा कम है तो बहुत ही लेस एनर्जी भी अगर मिल जाए बहुत लेस एनर्जी भी अगर मिल जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है कहां पर कंडक्शन बैंड में और अवेलेबल हो जाता है किस चीज के लिए अवेलेबल हो जाता है कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो जाता है कंडक्टिविटी यानी कि फ्लो करने के लिए अवेलेबल हो जाता है तो ये रोल आ गया भाई डोर एनर्जी लेवल का किसमें एन टाइप सेमी कंडक्टर में अब बिल्कुल इस तरीके से देखिए मैं आपको समझाता हूँ कौन सा केस दूसरा वाला देखिए पी सेमी कंडक्टर में क्या रहता है ये हो गया आपके पास वैलेंस बैंड ठीक यहां पर मान लीजिए आ गया ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ गया आ गया Osionfish. अब देखिए यहां पर क्या रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहा करते हैं ठीक है जी तो जैसे ही क्या होगा जैसे ही थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिलेगी थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो, हैं जो हैं ये? है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से वैलेंस है ये ध्यान रखना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप कर जाएंगे कहां जंप कर जाएंगे ये उस वैकेंसी में जंप कर जाएंगे कौन सी वैकेंसी जो क्रिएट हुई थी किसने क्रिएट करी थी भाई ये करी थी इम्प्योरिटी ने कौन सी इम्प्योरिटी ने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ने ठीक है जी जिसकी वजह से वो जगह क्या हो जाएगी ऑक्यूपाइड हो जाएगी ऑक्यूपाइड हो जाएगी और आपके लिए जो होल्स की मात्रा है जो होल्स की मात्रा है इस तरह से क्या हो जाता है ये बढ़ जाती है तो ये रोल है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ठीक है जी तो यहाँ पर क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कहा नहीं पहुंचने देता कंडक्शन बैंड में ज्यादातर नहीं पहुंचने देता है तो ये रोल आ गया यहाँ पर दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए अगेन वही बात है मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी हिसाब से हमें आंसर लिखना है ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चन का आंसर आता है तो हम लिखे ही चले जा रहे हैं लिखे ही चले जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है आपको प्रॉपरली जो है अपने आंसर को लिखना पड़ेगा

आपको दो दो पॉइंट लिखने हर एक के लिए ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर जो वो जिस चीज को हम डिफरेंशिएट कराएंगे यहाँ पर वो मैंने करेक्टरिस्टिक कह दीजिए या प्रॉपर्टी कह दीजिए वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो पहली चीज हम किस चीज पर जो है डिसाइड करेंगे या डिफ्रेंशिएट कराएंगे इन्हें वो है बेटा एनर्जी गैप ठीक है एनर्जी गैप क्या होता है कंडक्टर में ये दूसरा पेन ले लेते हैं एनर्जी गैप क्या होता है कंडक्टर में वेरी लो वेरी लो लेस नहीं लो लिख देते हैं और जीरो एनर्जी गैप रहता ही नहीं है कंडक्टर्स के अंदर इंसुलेटर्स के अंदर क्या रहता है वेरी लार्ज गैप रहा करता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जबकि कंडक्टर में या तो रहता ही नहीं है ओवरलैपिंग भी हो जाती है लिख सकते हो आप कि भाई या तो जीरो है या फिर ओवरलैपिंग भी हमें देखने को मिल जाती है ये भी कह सकते हैं सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है सेमी कंडक्टर्स में इंसुलेटर से कंपेरिजन करी जाए इंसुलेटर से कंपैरिजन करी जाए तो एनर्जी कम रहता है लेकिन अगर आप कंडक्टर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंडक्टर से कंपैरिजन करने पर ये ज्यादा रहा करता है दूसरी प्रॉपर्टी जो आप यहाँ पर करा सकते हो तो वो है कंडक्टिविटी है ना हाँ कंडक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंडक्टिविटी अच्छा एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर करना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते कंडक्टिविटी में, लिख लिख में दिखा देंगे easily एवेलेबल बहुत ही इजिली एवेलेबल हो जाते हैं क्यों भाई रीजन क्या है ओवरलैपिंग हो रही है भाई तो easily available हो जाएंगे इंसुलेटर में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट इजिली अवेलेबल इजिली एवेलेबल नहीं हो पाते बहुत डिफिकल्टी से अवेलेबल हो पाते हैं इसलिए यहां पर कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है सेमी कंडक्टर्स में अगेन वही बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल तो हो जाते हैं है ना बट आफ्टर बट आफ्टर गिविंग एनर्जी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है एनर्जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी मान सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में भी मान सकते हो जिस रूप में आप मानना चाहो ठीक है या फिर आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते कंडक्टिविटी के बारे में नहीं लिखना चाहते तो भाई आप यहाँ पर क्या है ना बैंड बना करके दिखा दो कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर गैप है यहाँ पर जो गैप है वो कम है इंसुलेटर से कम है और कंडक्टर से ज्यादा है ये ओवरलैपिंग इस तरीके से आपने यहाँ पर दिखा दी तो ये चीज भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो आपकी इच्छा है दो पॉइंट आपको वहां पर लिखने थे जो पॉइंट आपको अच्छा लगेगा वो वाला पॉइंट जो है आप लिख देना बट इस तरीके से ही लिख करके यहाँ 18th क्वेश्चन पर आ गए बच्चों हम व्हाट इज द नेम ऑफ एबिलिटी ऑफ जंक्शन डायोड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी एसी से डीसी जो बन जाती है सेमीकंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है रेक्टिफिकेशन क्या नाम दिया जाता है बच्चों रेक्टिफिकेशन जो है नाम दिया जाता है यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम एसी को काहे में डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं है ना ऑन द फैक्ट दैट इट अलाउज करंट टू पास फॉरवर्ड फॉरवर्डवाइज बिल्कुल सही तो रेक्टिफिकेशन ही वो प्रॉपर्टी हुआ करती है बस छोटा था, question था, easy answer था. एक मार्क में आया होगा question. Uh, 19th question देखते हैं बच्चों इसके बाद में. बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल सही बात है देखिए डोपिंग uh, अगर आप डोपिंग बढ़ाते हैं क्या कर रहे हैं आप डोपिंग को इंक्रीज कर रहे हैं अगर आप डोपिंग को इंक्रीज कर रहे हो तो यानी कि आपने जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं है ना इनकी संख्या को आप क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हैं। हो इलेक्ट्रॉन होल्स तैयार तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पर आ, कह सकते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स कह सकते हैं इनकी संख्या को हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं इनकी संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही डिप्लीशन रीजन की जो विट है डिप्लिशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या होती चली जाएगी बच्चों घटती चली जाएगी तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी ज्यादा डोपिंग उतनी ही कम यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी अः डिप्लेशन रीजन की विड्थ देखने को मिलेगी देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है ट्वेंटी क्वेश्चन हाफ वेव रेक्टिफायर है ठीक है आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है और इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट दे रखी है ये आपको मैं समझा देता हूं लेकिन उससे पहले यहां पर ये वेब फॉर्म कुछ ड्रॉ कर लेता हूं मैं इस तरीके से ठीक है ये ड्रॉ कर ली साथ में मैं आउटपुट वेब फॉर्म भी ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर इस तरीके से यहां पर पहले ये जो है मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे मैं समझ पाऊं कि हाफ साइकिल जो है कहां तक आ रही है तो आउटपुट जो है इस तरीके से मिलेगी उसके बाद जीरो आउटपुट मिलती है फिर आउटपुट मिलती है और फिर जो है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलती तो ये क्या हो गया ये हो गया वी आउट ये क्या हो गया ये हो गया वी एन ये किसके अगेंस्ट बनाया है आपने टाइम के अगेंस्ट बनाया है ठीक है अब देखते हैं भाई यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है देखिए यहां से लेकर के यहां तक ठीक है यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल आ रही है तो इनपुट की जो एक साइकिल है इनपुट की जो एक साइकिल है उतने टाइम में आउटपुट की कितनी साइकिल आ रही है भाई आउटपुट की जो साइकिल है वो भी यहां तक जाकर के कंप्लीट हो रही है ठीक है तो जितना गैप लिया एक साइकिल ने इनपुट की उतना ही गैप लिया एक साइकिल ने आउटपुट की यानी कि इनपुट और आउटपुट साइकिल जो है सेम है इसका मतलब अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है फिफ्टी हर्ड्स है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी फिफ्टी हर्ड्स होगी इससे आप पहचान जाना अगर समझ में नहीं आई ये चीज तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो ये है क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है अगर इनपुट कितनी है फिफ्टी हर्ट्स तो देखो इसके वेब फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं पहले ठीक है तो वेब फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से ये हो गया वेब फॉर्म ड्रॉ यहाँ पर टाइम के अगेंस्ट है ये ये क्या है वी इन है यहाँ पर मैं वी आउट बना दूंगा और ये टाइम के अगेंस्ट बन जाएगा थोड़ा यहाँ पर भैया ये जो है मार्किंग करनी पड़ेगी ये मार्किंग कर लिया हमने इस तरीके से ठीक है थोड़ा रफ फिगर मैं बना रहा हूँ बस आपको तो समझाने के लिए आइडिया देने के लिए बाकी तो आप लोगों को पता ही है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसी आउटपुट मिलेगी नेगेटिव हाफ साइकिल में एसी पॉजिटिव में एसी नेगेटिव में एसी यानी कि यही तो काम होता है फुल वेव रेक्टिफायर का अब आप देखो यहाँ पर यहाँ पर आपको समझने वाली जो चीज है वो अब आई है भाई यहां से लेकर के यहां तक ये यह एक साइकिल कंप्लीट हुई ठीक है इतनी दूरी में क्या हुआ है एक साइकिल यहां पर आई है जो आउटपुट है उसकी जो है एक साइकिल भाई इतनी ही दूरी में कंप्लीट हो गई है ये क्योंकि इसी के बाद क्या हुआ रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है है ना देखो यहाँ से फिर दोबारा ऐसे ही रिपीट होने लगी ठीक है तो कह सकते हो एक मिनट आप कह सकते हो, हो यहाँ पर कि अगर इनपुट की जो है एक साइकिल है तो आउटपुट में आपको उस टाइम में कितनी साइकिल मिल रही है देखो यहाँ पर आपको दो साइकिल मिल रही है मिल गई दो साइकिल इसका मतलब है अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हंड्रेड हट्स डबल, डबल हो जाएगी कैसे साइकिल्स डबल हो गई यहाँ एक साइकिल है यहाँ दो साइकिल आ रही हैं यहाँ इनपुट फिफ्टी हो गई तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हंड्रेड हो जाएगी इस तरीके से बड़े आसानी से पता कर सकते हो क्वेश्चन आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में ठीक है तो बेटा ध्यान रखना इस चीज का नहीं समझ में आया रिपीट करके देख लेना एक बार लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं कैन अ स्लैब ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर बी फिजिकली ज्वाइंट नो पी टाइप सेमी कंडक्टर है नाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर इनको ज्वाइन करने के लिए आप इन्हें फिजिकली मतलब फिजिकली आप इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सकते रीजन क्या है रीजन यहां पर बताते हैं हम आपको बिकॉज पेन चेंज कर ले बिकॉज अगर आप फिजिकली ज्वाइन करते हैं फिजिकली ज्वाइन करते हैं ठीक है तो एटॉमिक लेवल पर क्या होगा एटॉमिक लेवल पर जब जाएंगे आप तो आपको सरफेस कैसा दिखेगा वहां पर दोनों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का रफ मिलेगा सरफेस जो है रफ मिलेगा सरफेस रफ मिलेगा तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर क्या रह जाएंगे गैप्स रह जाएंगे ये गैप क्या करेंगे जो सेमीकंडक्टर की फंक्शनिंग है उसको क्या करेंगे करेंगे, यानी कि उसको घटा देंगे या फिर काम ही नहीं करेगा सही से इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सकते आप पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या बनाने के लिए पी एन जंक्शन बनाने के लिए ये था यहां पर इसका रीजन अच्छा क्वेश्चन था ठीक है इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री करते हैं बच्चों इन द द गिवन सर्किट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए ए एंड बी और बी यहां पर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है 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 पूछा जा रहा ठीक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे बहुत अच्छी बात है उससे पहले यहां पर ये यह बैटरी है बैटरी से क्या चलेगी करंट चलेगी सपोज करिए आई वन करंट यहां से चलती है आई वन करंट फिर कहां तक गई होगी आई वन करंट बेटा यहां तक गई होगी आई वन करंट ठीक है अब गई है आई वन करंट तो बैटरी में निकल करके मतलब बैटरी में एंटर भी कितनी करेगी आई वन करंट ही एंटर करेगी यानी कि इधर से क्या होगा आई वन करंट आ गई होगी अब उसके बाद इधर कितनी करंट गई है बेटा हमने मान लिया कि आई टू करंट गई है और इस साइड पर कितनी करंट गई होगी इस साइड पर हमने मान लिया आई थ्री करंट गई है आई थ्री करंट घूम करके आई यहां तक ये यह आए आई थ्री इधर से घूम करके आ गई आई थ्री ठीक है ऊपर से क्या आ रही है ये ऊपर से आ रही है आई टू सारी करंट को आपने ड्रॉ कर लिया हर एक ब्रांच में अब देखिए आपको यहाँ पर क्या देखना है ये जो डायोड यहाँ पर आ रहा है दिख रहा है जी आपको ये डायोड ये डायोड देखिए फॉरवर्ड बायस है ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो ये शॉर्ट सर्किट का, का काम करेगा यानी कि करंट को फ्लो होने देगा अगर ये रिवर्स बाइज्ड है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और करंट को फ्लो होने नहीं देगा ठीक है समझ में आ गई बात तो यहां पर हमें दिख रहा है भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया इधर की तरफ ये नेगेटिव है इधर नेगेटिव रहेगा इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव तो पॉजिटिव जो है देखिए पी से कनेक्टेड है और नेगेटिव जो है एन से कनेक्टेड है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइज है मैं ये सिंबल्स को जरा मिटा दूं ये समझाने के लिए बनाए थे मैंने आपको लेकिन न्यूमेरिकल भी आ जाता है डायोड के बेसिस पर तो आप लोगों को हर चीज का जो है ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर मेरे बच्चे क्वेश्चन करना शुरू करें क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अभी अगर मैं इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं तो अभी को ये तो हमें पता चल गया ना कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड है फॉरवर्ड बाइज्ड है तो भाई हम इसको क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे शॉर्ट कर देंगे मतलब इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे कि वहां पर कुछ था ही नहीं यानी कि उसने करंट को फ्लो होने दिया अलाउ कर दिया उसने करंट को जाने के लिए ये टेन किलो ओम है बेटा ये वाला जो है ये भी टेन किलो ओम है और ये वाला पॉइंट ए है ये वाला पॉइंट जो है बी है है ना यहां पर भी कह सकते हैं आप ए और बी को या एक काम करिए आप यहां के बजाय इसको यहाँ करिए ए पॉइंट ये रहा बी पॉइंट ये रहा आप इसको भी कह सकते हो क्योंकि इतने गैप में कुछ आ नहीं रहा है ना यहां से यहां तक तो आप इन पॉइंट्स को भी ए और बी मान सकते हो ये वाला जो है ये भी 10 किलो ओम है और ये बैटरी हो गई ये थर्टी वोल्ट की होगी अब यहाँ पर समझना है हमें कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई अगर आपको देखिए इसमें बहने वाली करंट पता चल जाए कितनी करंट थी आई अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस है ये टेन किलो ओम है टेन के लिख देता हूँ इतने से भी ध्यान रहेगा हमें ठीक है जी अब ये करना कैसे है सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा इसमें जो है ना कितनी करंट बैटरी से रिलीज हुई है यानी कि I1 ये फाइंड करना होगा क्योंकि I1 ही बाद में जा करके डिवाइड हो रही है तो उसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा भाई स्पेस बनाना पड़ेगा अपने को तो मैं इसको जो है रफ कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन इधर करनी पड़ेगी क्या हो सकता है शायद मैंने जगह दे रखी वो आगे तो हमें यही एडजस्ट करना है ठीक है चलिए जी यहाँ पर कर लेते हैं अब देखिए मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा बेटा यहाँ पर मुझे इक्वल एंड निकालना पड़ेगा उसके लिए मैं इसको मान लेता हूँ आर वन इसको मान लेता हूं मैं आर टू और इसको मान लेता हूं मैं आर थ्री आर टू और आर थ्री आपको पैरल में दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इक्वल एंड आर टू एंड आर थ्री आर टू और आर थ्री का इक्वल मान लीजिए मैंने बच्चे कहा आर टू थ्री कितना होगा पैरेलल में है तो पैरेलल में जब इक्विवेलेंट हम निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन ठीक है मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन कितना आ जाएगा मेरे बच्चे ये ये आ जाएगा मेरे पास में अच्छा दोनों की वैल्यू सेम है तो जस्ट इनका हाफ आएगा टेन प्लस टेन के नहीं प्लस नहीं इंटू होना है प्लस नहीं होना इंटू होना है इंटू टेन के अपॉन टेन प्लस टेन ट्वेंटी आप इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा भाई एक के से एक के कैंसिल हो गया एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ये टू से ये कैंसिल हो जाएगा फाइव फाइव के मैंने बताया था ना जस्ट हाफ आ जाएगा तो यहां पर आर टू थ्री की वैल्यू आ गई फाइव के कितना बात आपको समझ में आ गई देखिए आर टू थ्री जो आएगा वो इस आर वन के साथ सीरीज में हो जाएगा तो अब कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ एंड इनका जो इक्विवेलेंट होगा उसको मैं आर मान लूंगा सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर देंगे आर टू थ्री प्लस आर वन यानि कि फाइव के प्लस फिफ्टीन के कितना आ जाएगा सॉरी टेन के कितना आ जाएगा फिफ्टीन के आ जाएगा आपके पास रेसिस्टेंस आ गया नेट 15 के ओम आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है थर्टी वोल्ट करंट कितना फ्लो कर रहा होगा V अपॉन आर यानी कि थर्टी अपॉन फिफ्टीन के आ जाएगा यहां पर यानी कि टू मिली एमपियर इतना करंट जो है फ्लो कर रहा है इस करंट को मैंने आई वन मान लिया था तो यहां भी आई वन लिख देता हूं अब देखिए आई वन यहां से चला होगा ठीक है 15 मिली 2 मिली सॉरी यह करंट यहां से चला है अब आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है इसको थोड़ा सा रफ कर दूंगा तब समझ में आएगा अच्छे से ये सब रफ कर देता हूँ क्योंकि अब इस डायोड वगैरह का कोई काम है नहीं हाँ जी ये देखिए सब रफ कर दिया मैंने अब देखिए जरा ध्यान से यहां तक तो आया कितना भाई टू मिली एम्पियर उसके बाद करंट डिवाइड होगा कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा दोनों को चेक करिए जरा आप बराबर हैं तो एक मिली एम्पियर करंट इधर जाएगा और एक मिली एम्पियर करंट इधर जाएगा बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब जो I2 आपने मान करके चले थे I2 कितना हो जाएगा I1 वन अपॉन टू मतलब वन मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा I2 का अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा भाई आई टू आर टू आई टू आ गया वन मिली है भाई किलो ओम तो यहां पर यह आंसर आ जाएगा किलो से मिली कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा टेन वोल्ट इस तरीके से देखो क्वेश्चन हुआ अच्छा खासा कैलकुलेशन थी इसमें क्वेश्चन में समझने वाला क्वेश्चन था बाकी सारा सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कर दिया अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके मार्क्स जो है ना बिल्कुल भी कट नहीं होंगे ठीक है और आप अच्छे से जो है आपका आंसर लिखा जाएगा पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे कोई वहां पर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन पर है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा अगला क्वेश्चन क्या है राइट चौबीसवा क्वेश्चन है बेटे ठीक है चौबीसवा राइट टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन देखिए भाई पी एन जंक्शन की प्रोसेस में जो दो फॉर्मेशन में जो दो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एक तो होता है मेरे बच्चे डिफ्यूजन एक होता है डिफ्यूजन और एक कौन सा हुआ करता है एक हुआ करता है ड्रिफ्ट ठीक है डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या है कंसंट्रेशन कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं मूव करते हैं कहा मूव करते हैं अक्रॉस जंक्शन जंक्शन के आर पार जाते हैं इतनी बात समझ में आई बेटा ड्रिफ्ट क्या है डिप्लीशन रीजन जब बन जाती है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है इंटरनल इंटरनल फील्ड क्या करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर फोर्स लगाती है कैसी फोर्स लगाती है कि जंक्शन की तरफ मूव करे जंक्शन की तरफ मूव करने के लिए फोर्स लगाती है टूवर्ड्स जंक्शन उससे क्या होता है उसी चीज को क्या कहा जाता है उसी चीज को कहा जाता है okay. तो भैया ये हो गए दो प्रोसेस एक हो गया डिफ्यूजन एक हो गया ड्रिफ्ट पूरी एक्सप्लेनेशन समझा दी यहाँ पर तो हमको सिर्फ नाम लिखने थे लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पर जो है सिखा दिया कि क्या हुआ करता है इसमें ठीक है जी अब ये वीडियो जो है आई होप ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसका मैं आपको एक और पार्ट दे दूंगा एक पार्ट ये हो गया अगले पार्ट में हम यहीं से इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करिए एंड पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं Thank you very much and all the best.